वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने डाटा को सेव कर सकते हो। तो जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा कि बाई 1.5 GB जो हमारा जो डाटा होता है वो हमारा 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर लगभग हमारा खत्म ही हो जाता है। हम कुछ चलाते भी नहीं है फिर भी हमारा डाटा खत्म हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स किया जाए ताकि हमारा जो ये प्रॉब्लम है वो हमारी जो ठीक हो जाए, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब किस तरीके से हमको हमारी जो ये प्रॉब्लम है वो आपको फेस करनी पड़ती है। असल में इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न यही है कि हमारा जो मतलब बैकग्राउंड के अंदर कुछ प्रोसेस चल रहा होता है, हमारा जो विंडो अपडेट हो जाता है या कोई ड्राइव के अंदर कोई ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं अपडेट होता रहता है, तो इस वजह से जो हमारा जो डेटा है वो अपने आप खत्म हो जाता है। इसको इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज असल में आपको सबसे पहले जाना कहाँ है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारे होम स्क्रीन में, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा जो व्यू विंडो अपडेट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मतलब विंडो अपडेट का जो आपका आइकन हो अपने ऑटोमेटिक होगा उसको आपको डिसेबल करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना है नीचे सर्च बार में और यहाँ पे आपको लिखना है सर्विसेज। सर्विसेज पे आप जिस तरीके से टैप कर दोगे, फिर आपको टैप करने के बाद आप इसको थोड़ा मैं स्क्रीन बढ़ा कर देता हूँ, और फिर आप इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक विंडो अपडेट के नाम का वो मिलेगा, क्या कहते हैं सर्विसेज मिलेगी, उसको आपको देखना है कहाँ पे है वो। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ विंडो अपडेट विंडो अपडेट विंडो अपडेट, हाँ लेट्स फाइन, मेरे को मिल चुका है कि यहाँ पे है हमारा जो विंडो अपडेट। मैं यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, ठीक है ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, इसको आपको डिसेबल करना है। कैसे करेंगे, इस पर करेंगे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक कर लेना है बुरी, ठीक है फिर आपको इसको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद आप सभी को यहाँ पे करना है अप्लाई, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे करना है आपको ओके ओके। जब आप कर दोगे तो ये हमारा डिसेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक, जो हमारा जो विंडो ओनली अपडेट होती थी बैकग्राउंड के अंदर वो नहीं होगी, आपका डाटा सेव रहेगा। ये तो थी पहली बात, ठीक है अब आपको ले चलता हूँ मैं आपकी दूसरी बात पे कि आप किस तरीके से आपको दूसरा स्टेप क्या रहेगा हमको हमारा जो मतलब जो डेटा है उसको सेव करने के लिए। सबसे पहले आप टास्क बार में राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाना है आपको टास्क मैनेजर में। टास्क मैनेजर में आने के बाद पहले मैं कर देता हूँ स्क्रीन को थोड़ा बड़ा, यहाँ पे हाँ यहाँ पे मैं आपको आना है सेटअप पे। सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, जी गाइस आपको यहाँ पे करना है डिसेबल, ये अनेबल होगा आपके, आपको इसे डिसेबल कर देना है। जी गाइस आपको इसे डिसेबल कर देना है, तो डिसेबल कर दोगे तो इससे भी आपका डाटा सेव होएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, आपको मैं तीसरी चीज़ बताऊँगा, उस तीसरी चीज़ को भी ध्यान से देखना। ये सिर्फ तीन स्टेप है, आप तीन स्टेप को फॉलो कर देना, कोई ना कोई एक रीज़न होएगा आपका डाटा ऑटोमेटिकली जो लग रहा था वो बंद हो जाएगा। तो तीसरी स्टेप के अंदर आपको आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आना है आपको अकाउंट में, अकाउंट जो लिखा हुआ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो है हाँ ये जो अकाउंट है इसके अंदर आपको ये जो साइन का ऑप्शन है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये जो ऑप्शन है सिंक योर सेटिंग, हाँ यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका ऑन पाएगा, इसको क्या करना है आपको इसको ऑफ कर देना है, इससे क्या होगा इससे भी आपका डाटा सेव रहेगा, आपका ऑटोमेटिक डाटा नहीं लगेगा बैकग्राउंड के अंदर नहीं चलेगा, आपका जो डाटा जो बेफालतू का जो आपका डाटा यूज़ होता है वो सब कुछ चलना बंद हो जाएगा, ठीक है आपका डाटा सेव रहेगा, आप जो चलाओगे सिर्फ उसी पे आपका डाटा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये तीन स्टेप फॉलो कर लोगे तो आपको ये प्रॉब्लम आपकी 100% फिक्स होएगी, मेरी भी हुई है आपकी भी होएगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को कर देना एक लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्यों, क्योंकि लाइक करने से हमारा वीडियो थोड़ी मतलब ज़्यादा रैंक पुश करेगी, और सब्सक्राइब करने से हमारा चैनल रैंक करेगा, इसलिए आप ये करना ना भूलें।